आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शर्ट कटिंग से पहले, कमीज कटिंग से पहले किसी भी शर्ट या कमीज का नाप कैसे ले, क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट आ चुके हैं कि शर्ट का नाप कैसे लेते हैं, ये वीडियो बनाएं। आज मैं आपको एक स्कूल बॉय की कमीज का नाप लेके दिखाता हूँ, जिसकी हम स्कूल की ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म तैयार करेंगे। नाप कैसे ले ये सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी भी तरह का सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, लेडीज या जेंट्स, नया या पुराना, सिलाई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं, आपको उसका मैसेज मिल जाए। प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम तीरे की पैमास कर लेते हैं। तीरे की पैमास करते समय ध्यान रखें, तीरा ज्यादा लटका हुआ नहीं होना चाहिए। तीरा हमेशा कंधों के ऊपर होना चाहिए। अगर जो तीरा बाजू की साइड ज्यादा लटक जाता है, तो शर्ट की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो इस चीज का ध्यान रखें, तीरा यहाँ तक ले, बिल्कुल कंधों तक। तीरा है हमारा 18 इंच। इसके बाद अपनी बाजू की लंबाई, जहां तक हमने तीरा लिया था वहां से बाजू की लंबाई ले। बाजू की लंबाई कफ तक ना ले, जहां तक कफ है वहां तक ना ले। अगर कस्टमर बोल देता है मेरी बाजू की लंबाई जितनी इस बाजू की है उतनी ही होनी चाहिए, तो शर्ट की बाजू का बटन खोले और उसे सीधा लटकने दे, अच्छे से सीधा थोड़ा खींच के फिर पैमास कर ले उसकी कफ तक। या फिर बाजू की लंबाई लेने का जो तरीका होता है, जो हमारे अंगूठे का ऊपर वाला मोड़ होता है, पहले वाली हड्डी होती है, ये यहाँ तक बाजू की लंबाई ले। ये है बाजू की लंबाई लेने का स्टिक तरीका। हमारी बाजू की लंबाई है 25 इंच। ये है बाजू की पैमास लेने का स्टिक तरीका। इसके बाद शर्ट की लंबाई, शर्ट की लंबाई हमारी बिल्कुल गर्दन के साथ से, नेक के साथ से ले, और शोल्डर के बिल्कुल ऊपर से, कंधे के बिल्कुल ऊपर से लंबाई लेने का जो फॉर्मूला होता है, जो ये अंगूठे की नीचे वाली हड्डी है, बाजू की लंबाई ली थी हमने ऊपर वाली हड्डी तक, जो शर्ट की लंबाई लेते हैं वो नीचे वाली हड्डी तक ले लेते हैं। ये एक फॉर्मल तरीका है, स्टिक तरीका है यहाँ तक। या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर जैसे बोले उस तरह से। तो हमारी शर्ट की लंबाई है 27.5 इंच। ज़्यादातर सिलाई का काम कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होता है। कस्टमर ही बताता है मेरी शर्ट की फिटिंग ऐसी करनी है, लंबाई इतनी रखनी है, बाजू इस तरह से। हर काम ज़्यादातर कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। तो कस्टमर से पैमास लेते समय बार बार पूछ ले, कितने फिटिंग करनी है, कितनी लंबाई रखनी है, कितना कॉलर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कस्टमर से ले ले। इसके बाद चेस्ट की पैमास, छाती के ऊपर से ले बिल्कुल, ज्यादा खुली भी नहीं और बिल्कुल चिपकी हुई भी पैमास ना हो, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से पैमास ले, मेरी 3-4 उंगलियां अंदर है। चेस्ट है हमारी 36 इंच, 36। अगर किसी भी कस्टमर का छाती से बाहर पेट निकला हुआ है, तो हमने छाती की पैमास नहीं लेनी है, चेस्ट की नहीं लेनी है। उसके बाद पेट की पैमास ले, क्योंकि पेट छाती से बाहर है, तो पेट की ही पैमास ले, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद कॉलर, कॉलर की पैमास गर्दन और इंची टेप के बीच में 2 उंगली आ जाए, इस हिसाब से लूजिंग दे। कॉलर है हमारा 15 इंच। हमारी शर्ट की पैमास कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपने शर्ट की पैमास लेनी है। बाकी कस्टमर से भी कंफर्म कर ले, किस तरह की फ्रंट पट्टी बनवानी है, कैसी पॉकेट लगवानी है, कॉलर कैसा बनवाना है, कम नोब वाला या ज़्यादा नोब वाला, कफ कैसे लगवाने हैं, ये सब बातें कंफर्म कर ले, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सिलाई के रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।